मियां भाई बनने को तैयार हूँ, ये शब्द उस मजबूर शख्स के हैं जिसके गले में पट्टा डालकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक हिंदू युवक पर कुछ मुस्लिम लोगों ने उसके गले में पट्टा डाला है और उसे भौंकने के लिए कहते हैं। दरअसल मामला कहाँ का है, आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने हिंदू युवक के गले में पट्टा डाला और आखिर क्यों डाला है, ये क्या मामला है, आइए आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें एक हिंदू युवक को गले में कुछ लोगों ने पट्टा डाल रखा है, उसे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में पीड़ित युवक माफी मांगते और मियां बनने की बात कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है। इससे लगता है कि उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला भोपाल टीला जमालपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान बिलाल टीला, फैजान लाला, मोहम्मद समीर टीला, साहिल बच्चा और मुफीद खान के तौर पर बताई जा रही है। वायरल वीडियो में आरोपियों ने एक युवक के गले में पट्टा बांध रखा है, पीड़ित घुटने के बल पर बैठा हुआ है। एक आरोपी उससे कहता है, बोल भाई सॉरी। इस पर डरा सहमा पीड़ित कहता है, साहिल भाई मेरे बाप हैं, मेरे भाई के बड़े भाई हैं। फिर आरोपी कहता है, बोल फैजान भाई मेरे भी पापा हैं। इस पर पीड़ित कहता है, फैजान भाई मेरे भाई हैं, मेरी माँ उनकी भी माँ है और उनकी माँ मेरी भी माँ है। इसके बाद युवक घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश करता है। इस पर आरोपी कहता है, कैसी हरकतें कर रहा है, मैंने तेरा क्या किया था ये बता तू। इस पर पीड़ित कहता है, साहिल भाई अपनी माँ की कसम, मैंने आपसे सॉरी बोल तो दिया है स्टोरी पर, देखो ना। इसके बाद एक अन्य आरोपी कहता है, कुत्ते की तरह भौंक। पीड़ित आरोपी से गुहार लगाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपके दोस्तों ने कराया है। इस पर दो आरोपी गालियां देने के बारे में पूछते हैं। जवाब में पीड़ित गाली देने की बात से इनकार करते हुए कहता है, माँ कसम मैंने गाली नहीं दी, किसी और ने स्टोरी डाली है, शाहरुख के कहने पर ऐसा किया, वही डराता है भाई, अपनी माँ की कसम मियाँ भाई बनने को मैं तैयार हूँ। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ मुस्लिम लोग एक हिंदू युवक को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, उसे भौंकने के लिए कह रहे हैं, उसे अपने मन मुताबिक शब्द बुलवा रहे हैं। अब वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान है। क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने वो वीडियो देखा है, बहुत गंभीर किस्म का लगा, किसी भी मानव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार निंदनीय है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने देखा वो वीडियो और बहुत गंभीर किस्म का लगा मुझे, मानव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार निंदनीय है। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी जांच करके सत्यता पर जाएं और कानूनी कार्रवाई करें उस पर, और 24 घंटे के अंदर परिणाम लाके। बताया जा रहा है कि अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। क्या मामला है, क्या हकीकत है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस तरह की गंदी सोच रखने वालों को लेकर अगर जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आई है उस पर अगर सोचे तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।